10-10 मिनट आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। मुझे भी साफ करा कर देने आज के स्प्रेड को मान लीजिए गर्व ना फट लो आज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट आप बोलिए। सेंड करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। 26 जनवरी आए थे मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करते जवान स्कूली बच्चे कैडेट माननीय मुख्य अतिथि एडीसी सांबा गवाह बन रहा है आज के पावन पर्व का, आज के गणतंत्र के फुल ड्रेस रिहर्सल का। सभी दल बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं, इनके जोश देश के प्रति अटूट प्रेम हमारा राष्ट्रीय ध्वज इनके जोश और जज्बे के गर्व से झूम रहा है। मंच पर आते आज 74वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। सारे देश की तरह सांबा भी अब तरक्की के मोड़ पे है, चाहे इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे शिक्षा का स्तर को ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड्स की कंस्ट्रक्शन कि जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और दिन और रात यहाँ पे काम चल रहा है। मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो एम्स और एम्स की कंस्ट्रक्शन दिन और रात चल रही है। अगर इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो वैसे ही इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे मतलब देश भर से यहाँ पे काफ़ी प्रपोजल्स इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आर्मर्ड पुलिस फोर्स का दल अगुवाई करा कर देते हैं ऐसा ही श्री रामलाल जी। मंच पर से बंदे मंच की सलामी देते उसके पीछे आईटीबीपी का दल अगुवाई करा कर देते हैं SI चरणजीत सिंह की सलामी देते आगे बढ़ा कर देते हैं। ओमकार से जवाने का ये गल मंच की सलामी देते अगे मजा करा औखी मुसीबत के बिच पुलिस फोर्स का साथ रही है अपना फर्ज निभाया, चाहे कोरोना काल हा चाहे कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी पूरी जिम्मेवारी I'm
परेड में कोई कमी नहीं थी आपको और कदम नहीं टूटना चाहिए आपको, ठीक है? चलो और वो बेस्ट परेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है? आपने बिल्कुल वो नहीं है, शर्माना नहीं है, डगमगाना नहीं है, आदमी झिझकता कि गलत हो जाएगी, जोश दिखाना पूरा। एक ही दिन की बात है, अब जे एन यू वाले देखना थोड़ा जोश पैदा करना, आज आपका डगमगा गया था कदम इनके सारे मिल नहीं रहे थे, स्पेशली नवोदय विद्यालय, बट ओवरऑल कलरफुल सारे अच्छे लग रहे हो। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रेस, जो बच्चे यहाँ पे भाग लेते हैं वे बहुत बढ़िया बच्चे बनकर के आगे सुरक्षा जंक्शनों में जाते हैं। भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों में भाग लेकर भर्ती होकर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, अपने सगे संबंधियों, गांव, मोहल्ले और शहरों का नाम रोशन करते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको मैं एडवांस में मुबारक देता हूँ। ये रानी सुचेत स्टेडियम है, यहाँ पे सांबा में हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। प्रशासन जो है इसकी पूरी प्रशासन की देखरेख में ये सारा कुछ हो रहा है। 22 यहाँ पे 22 जो हैं स्कॉट्स हैं, 12 स्कूल्स हैं और कल्चरल आइटम्स हैं, 4 यहाँ पे झांकियाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हो रही हैं। और मतलब आप लोगों का और बच्चों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बारिश को देखते हुए हमने यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि बच्चे जो हैं वो भीग ना जाएं, तो ये फुल प्रूफ वाटर प्रूफ जो हैं वो टेंटेज लगाई गई है। वीर नारियों के लिए अलग से एक पवेलियन है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी अलग से एक पवेलियन है। और कोशिश की गई है कि मेडिकल की टीम जो है वो यहाँ पे साथ है, फायर ब्रिगेड के लोग साथ हैं ताकि कोई भी ऐसी, और सिक्योरिटी जो है
वो पूरी चुस्त और पूरी उसको पूरा देख रही है कि यानी कुछ ऐसा मतलब सुरक्षा के जो नियम हैं वो उसमें पूरा का पूरा वो पालन कर रहे हैं।